हेलो फ्रेंड, मैंने 12 वाट बैटरी बनाया है। इसमें हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, इससे आउटपुट भी 12 वाट यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो मैं इसमें LED लगा के आप देख सकते हैं, इसी तरह से आपको 12 वाट बैटरी घर पर आसानी से बना सकते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहे। हमारे चैनल में पहली बार देख रहे तो लाइक शेयर अने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने एक PUC शीट से इसी तरह से बना लिया है, गर्म करके इसके अंदर बैटरी रख कर इसी तरह से बना लिया है। अब मैं इससे 3 लिथियम बैटरी लेंगे, आप देख सकते हैं इसी तरह से। तो इसमें हमारा ये पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं, और ये है हमारा 3 नेगेटिव। तो इसे हम एक इसी तरह से ये बैटरी कर देना है, इससे हम सीरीज में सोल्डिंग करेंगे। तो मैं इसके अंदर पहले फिट कर लेते हैं, पहली बैटरी इसी तरह से और दूसरी बैटरी इसी तरह से और तीसरी बैटरी इसी तरह से आपको ये फिट कर लेना है इस बॉक्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसमें हम सीरीज में सोल्डिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है और पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसी तरह से आपको ये बॉक्स के अंदर फिट कर लेना है। अब मैं यहाँ एक कॉपर वायर लेंगे, तो इसमें मैंने सोल्डिंग वायर लगा लिया है सोल्डिंग। तो इससे हम बैटरी के ऊपर सोल्डिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस दोनों बैटरी पर मैं सोल्डिंग कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो मैं सोल्डिंग आयरन ले लेते हैं, तो मैं पॉजिटिव पर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो हमारा ये पॉजिटिव पर सोल्डिंग हो चुका है, अब मैं नेगेटिव पर सोल्डिंग करते हैं। तो इसी तरह से आपको ये दोनों बैटरी पर सोल्डिंग कर लेना है। तो मैंने सोल्डिंग कर लिया है, इसी तरह से आपको ये सोल्डिंग कर लेना है नेगेटिव और पॉजिटिव इसी तरह से। अब मैं इसे बदल लेंगे, तो यहाँ हमारा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पहले आपको देख लेना है, तो यहाँ हम ये दोनों बैटरी में सोल्डिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं कॉपर वायर ले लेते हैं और सोल्डिंग आयरन से मैंने पॉजिटिव पर सोल्डिंग किया है। अब मैं नेगेटिव पर यहाँ सोल्डिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको ये सोल्डिंग कर लेना है। तो मैंने सोल्डिंग कर लिया, आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें मैंने सोल्डिंग किया है। अब मैं इससे आप देख सकते हैं इसमें सीरीज में मैंने सोल्डिंग किया है, इसी तरह से आपको ये सोल्डिंग कर लेना है। तो इसमें हम 12 वोल्ट, ये हमारा पॉजिटिव 12 वोल्ट और ये नेगेटिव है। तो इसमें हम पहले आपको वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। तो मैं मल्टीमीटर लिया है, इसमें मैंने 20 वोल्ट पर मैंने चेक किया है। अब मैं इससे लगा लेंगे मल्टीमीटर का वायर। तो ये हमारा ब्लैक वायर है, इसे हम बैटरी के नेगेटिव पर टच करेंगे। और हमारा रेड वायर मल्टीमीटर का है, इसे हम बैटरी के पॉजिटिव पर टच करेंगे। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं, इसमें हमारा 10 वोल्ट बैटरी चार्ज है, वरना आपका बैटरी फुल चार्ज होगा तो इसमें 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी। तो अब मैं इसे यहाँ 2 वायर लगा लेंगे, यहाँ हम और यहाँ। तो नेगेटिव पॉजिटिव पर सोल्डिंग करेंगे। तो पहले हम इसमें हम वायर लगा लेंगे ब्लैक वायर। तो इस बैटरी का हम नेगेटिव पर सोल्डिंग करेंगे। तो पहले मैं इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे। अब हमारा ये बैटरी के नेगेटिव पर ब्लैक वायर सोल्डिंग करेंगे। तो पहले मैं सोल्डिंग कर लेते हैं, यहाँ वायर को रख कर सोल्डरिंग आयरन से। इसी तरह से आपको ये ब्लैक वायर को बैटरी के नेगेटिव पर सोल्डिंग कर लेना है। तो मैंने सोल्डिंग कर लिया है, तो ये हमारा नेगेटिव वायर है। अब हमारा ये बैटरी का पॉजिटिव वायर है, तो इसमें हमारा रेड वायर सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ हम पहले सोल्डिंग कर लेते हैं।
तो ये हमारा रेड वायर है, इसे हम सोल्डिंग आयरन से यहाँ सोल्डिंग करेंगे। तो मैंने दोनों वायर को मैंने सोल्डिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें हमारा 12 वोल्ट पावर आएगा, इसी तरह से आपको ये कर लेना है। अब हमारा ये चार्जिंग जैक है, तो इस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए मैंने ये चार्जिंग जैक लिया है। इसमें आप देख सकते हैं मैं एक फ्यूज शीट से मैंने कटिंग किया है, इसमें दो होल किया है। अब मैं इस चार्जिंग जैक को यहाँ अंदर डाल देंगे दोनों वायर को। अब मैं इससे हम ब्लैक वायर है, ये हमारा नेगेटिव वायर है, तो इस बैटरी का नेगेटिव वायर है, तो इससे हम सोल्डिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से कट किया है हमारा नेगेटिव वायर बैटरी का। आप देख सकते हैं बैटरी का नेगेटिव वायर ब्लैक वायर है, तो इसके साथ हम चार्जिंग का ब्लैक वायर यहाँ हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो मैं फटोफट सोल्डिंग कर लेते हैं इसे नेगेटिव वायर को चार्जिंग करने के लिए। तो मैंने चार्जिंग के सोल्डिंग कर लिया है, इसी तरह से आपको यह कर लेना है। अब हमारा रेड वायर है, इसे हम बैटरी के पॉजिटिव पर सोल्डिंग कर लेना है, इसी तरह से आपको यह सोल्डिंग कर लेना है। तो मैंने बैटरी का पॉजिटिव पर रेड वायर को चार्जिंग जैक के लगा लिया, इसी तरह से आपको ये लगा लेना है। ये हमारा नेगेटिव, इसके ऊपर मैंने टेप भी लगा लिया, वरना आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा इसलिए। अब हमारा ये दो वायर है, तो इस होल के अंदर हम बाहर निकाल लेंगे। ये 12 वोल्ट का दो वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इससे यहाँ अंदर डालकर बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने इसी तरह से निकाल लिया है, अब मैं इससे यहाँ चिपका लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको ये फिट कर लेना है। अब मैं इसे फेंकी के मदद से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। अब मैं इससे यहाँ कटिंग कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमारा दूसरा ढक्कन लेंगे, तो इस बैटरी के यहाँ हम लगा लेंगे। तो मैंने लगा लिया और कटिंग करके यहाँ दोनों साइड को मैंने फिनिशिंग कर लिया है, इसी तरह से आपको ये फिनिशिंग कर लेना है। तो यहाँ मैं वायर बाहर निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट बाहर आउटपुट निकलेगा। तो पहले मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाते हैं, तो आपको देख सकते हैं 12 वोल्ट रेड वायर और ब्लैक वायर नेगेटिव, तो इसमें दिखा दे रहे हैं 10 वोल्ट इसमें चार्जिंग है हमारा बैटरी में। अब हम चार्जिंग करके आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं 12 वोल्ट चार्जर ले लिया है, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट 2 एम्पियर, इसी तरह से आपको यह चार्जर ले लेना है। अब मैं इस बोर्ड के अंदर फिट कर लिया, इसमें रेड ग्रीन लाइट ग्लो हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल देंगे, तो इसमें हमारा बैटरी चार्ज होने लगा है। तो इसी तरह से आपको बैटरी फुल कर लेना है। अब मैं इसे अभी चार्जिंग नहीं करेंगे, आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो मैं 12 वोल्ट ये एलईडी लिया है, आप देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट की ये एलईडी है, कोई भी 12 वोल्ट यहाँ से चला सकते हैं इस बैटरी में। तो इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ लगा के आप देख सकते हैं इसमें हमारी ये ग्लो हो जाती है एलईडी लाइट। इसी तरह से आपको ये 12 वोल्ट बैटरी घर पर बस बना सकते हैं। इस वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कर लीजिए। तो मैं एक मोटर लेंगे, 555 की ये डीसी मोटर है, तो इससे भी आपको चला सकते हैं। ये 12 वोल्ट की ये मोटर है, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी घूम सकती है, कितनी बड़ी स्पीड आ रही है, आप देख सकते हैं इसमें स्पीड आ रही है। तो इसी तरह से आप घर पर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, क्या सुधी, बाय बाय दोस्तों।